नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एग्जामिनेशन ट्वेंटी सेवन के यूट्यूब चैनल पर आर आर बी एन टी पी सी के एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं आज दस फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है हंड्रेड परसेंट सटीक जवाब के साथ रीजनिंग जी के और मैथ्स के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसी चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी मिलते रहेंगी लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करेंगे पहला क्वेश्चन है सतना सतना शब्द में प्रयुक्त अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है सतना शब्द में प्रयुक्त अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है तो हल करते हैं इसे तो देखिए दोस्तों सतना सतना क्या है एस ए टी एन ए कितने अल्फाबेट हैं इसमें इसमें पांच अल्फाबेट हैं तो इसको कर दीजिए फैक्टोरियल पाँच तो देखिए पाँच गुड़ित चार गुड़ित तीन गुड़ित दो गुड़ित एक पाँचों के बीस बीस तठ साठ दूनी एक सौ बीस तो इसका आंसर होगा जो दोस्तों एक सौ बीस एक सौ बीस आ जाएगा आंसर सतना शब्द को अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है 120 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है सतना शब्द के अक्षरों को 120 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन पाँच सौ बारह दो सौ छप्पन एक सौ चौंसठ बत्तीस और क्वेश्चन मार्क दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा तो यहाँ बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा तो देखिए इस क्वेश्चन में पाँच सौ बारह में दो से भाग देने पर दो सौ छप्पन मिलता है दो सौ छप्पन को दो से भाग देने पर एक सौ अट्ठाईस मिलता है एक सौ अट्ठाईस को दो से भाग देने पर चौंसठ मिलता है और चौंसठ को दो से भाग देने पर बत्तीस मिलता है और बत्तीस को दो से भाग दे देंगे तो ये मिलता है सोलह तो यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा सोलह आएगा तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों मनीष का क्रम मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से इक्कीसवा है और नीचे से तीसवा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तो देखिए मनीष का क्रम ऊपर से इक्कीसवा है धन नीचे से कितना है तीसवा एक माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है पचास माइनस इसलिए किया देखिए एग्जाम्पल से समझिए यदि किसी कक्षा में पाँच विद्यार्थी एक दो तीन चार पाँच और ए का जो स्थान है ऊपर से हमने दो एक को दो दो को ए मान लिए ऊपर से जो है दूसरे नंबर पे है और पीछे से चौथे नंबर पे तो चार धन दो कितना हो रहा है ये छः हो रहा है जबकि कक्षा में तो पाँच ही लोग हैं और छः हो रहा है तो ये इसलिए छः हो रहा है देखिए सामने से एक बार दो काउंट हो रहा है पीछे से एक बार काउंट हो रहा है ये जो है दो बार काउंट हो रहा है तो इसे एक एक बार काउंट करने के लिए हम इसे माइनस करते हैं ताकि रियल वैल्यू आ जाए तो ये आ जाता है पाँच इसलिए हमें माइनस किया तो कक्षा में कुल विद्यार्थी होंगे पचास अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ यदि धन का अर्थ ऋण ऋण का अर्थ गुणा भाग का अर्थ धन तथा गुणा का अर्थ भाग हो तो पंद्रह गुड़ी तीन भागी चार ऋण छः धन सात बराबर क्या आएगा तो हल करते हैं देखिए है। पहले पहले इसमें बोल रहा है धन का अर्थ ऋण तो धन हमें कहाँ है ये तो ये माइनस हो जाएगा ऋण का अर्थ गुणा तो हमें ऋण कहाँ दिखाई दे रहा है तो ये गुणा हो जाएगा भाग का अर्थ धन बोल रहा है तो भाग जो है वो धन में बदल जाएगा ये धन हो जाएगा तथा तो गुणा का अर्थ भाग गुणा जो है वो भाग आ जाएगा तो देखिए जहाँ गुणा हो रहा है तो गुणा कर लेंगे पहले सबसे पहले छँचों के ये देखिए छः चौके, चौबीस ऋण सात धन है तो यहाँ धन कर देते हैं फिर भाग कर लेंगे तीन पाँचे पंद्रह चौबीस और पाँच कितने हो गए ये हो जाते हैं उनतीस उनतीस में से सात घटा देंगे तो ये हो जाता है बाईस तो इसका आंसर होगा बाईस क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखिए दोस्तों यदि W बराबर तेईस डब्ल्यू बराबर तेईस आई एन बराबर छियालीस और डब्ल्यू ए वाई बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है तो देखिए अल्फाबेट में देखिए दोस्तों डब्ल्यू अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है तेईस नंबर पे आता है अल्फाबेट में तेईस नंबर पे आता है तो देखिए इसी प्रकार डब्लू जो है अल्फाबेट में तेईस नंबर पर आता है आई जो है नौ नंबर पे आता है और एन चौदह नंबर पे आता है इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना हो जाता है छियालीस हो जाता है उसी प्रकार देखिए डब्लू तेईस नंबर पे आ रहा है ए जो है एक नंबर पे आता है अल्फाबेट में और वाई जो है पच्चीस नंबर पर आता है इन तीनों को जोड़ेंगे तो उनचास हो जाता है तो इसका आंसर जो है उनचास होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उनचास आएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों तो हम आप जीके के क्वेश्चंस को हल करेंगे तो देखिए सिली पॉइंट किसे खेल से संबंधित है सिली पॉइंट सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है देखिए दोस्तों सिली पॉइंट क्या होता है जब कीपर बॉल लगने बॉल ना लगे इसलिए हेलमेट पहन के कीपिंग करता है इसे उ, उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसे कीपिंग करने में बहुत परेशानी होती है इसलिए जो कीपिंग एरिया रहता है उसे सिली पॉइंट कहते हैं सिली पॉइंट कहते हैं तो सिली पॉइंट जो है क्रिकेट से संबंधित है अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में एक किलो का मतलब क्या होता है एक किलो का मतलब होता है दस बाइट एक किलो का मान क्या होता है दस बाइट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है गाडगिल योजना कहा जाता है इसे गाडगिल योजना चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है केल केलसी फेरिल किस विटामिन का रासायनिक नाम है केलसी फेरिल किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है देश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है देश का सबसे बड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है पारसेक मात्रक है पार्सेक काय का मात्रक है लंबाई का मात्रक है पार्सेक खगोली दूरी को मापने के लिए पारसेक का यूज किया जाता है पाक जल पाक जलडमरू मध्य किन किन को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य किन किन को अलग करता है ये करता है भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य दोस्तों आगे मैथ्स के हल करेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे देखिए तीस परिणामों का तीस परिणामों का औसत पंद्रह है तथा अन्य दस परिणामों का औसत चालीस है सभी परिणामों का औसत क्या होगा तो देखिए औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या दे तो देखिए तीस परिणामों का योग कितना है पंद्रह है धन दस परिणामों का योग कितना है चालीस है बटे राशियों की संख्या तो तीस धन दस कर देंगे तो देखिए दोस्तों तीस गुड़ा पंद्रह तीस गुड़ा पंद्रह हो जाता है चार सौ पचास धन दस गुड़ी चालीस कितना हो जाएगा चार सौ हो जाएगा और तीस और दस कितने हो गए चालीस हो गए एक जीरो से एक जीरो कट गया चार से चालीस दस बार कट गया चार सौ पचास और दस कितना हो गया चार सौ साठ हो गया तो इसका औसत कितना आ जाएगा चार सौ साठ आ जाएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यदि ए का बीस प्रतिशत बराबर बी का तीन बटे चालीस का तीन बटे चार का चालीस प्रतिशत हो तो ए अनुपात भी क्या होगा तो देखिए क्वेश्चन क्या है ए का ए गुड़ी का का मतलब गुड़ा होता है बीस परसेंट बीस परसेंट कितना हो जाएगा बीस और बटे में सौ परसेंट के लिए बराबर बी का तीन बटे चार तीन बटे चार का का बोल रहा है मतलब गुड़ा आएगा चालीस और परसेंट के लिए सौ तो देखिए दोस्तों सौ से सौ से सौ कट जाएगा चार से चालीस कितने बार कट जाएगा दस बार कट जाएगा तो ए बार एक गुड़े में क्या बज गया बीस बज गया बराबर ए बी के गुड़े में क्या आ जाएगा दस जुतिया तीस तो ए अपॉन बी बराबर आ जाएगा तीस बटे बीस तो ये कट जाता है दस दूनी बीस दस या तीस ए अनुपात बी बराबर आ जाएगा तीन अनुपात दो इसका आंसर होगा तीन अनुपात दो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं किसी वस्तु को पैंतालीस में बेचने पर दस प्रतिशत की हानि होती है इस वस्तु को बीस प्रतिशत लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा तो देखिए किसी वस्तु को पैंतालीस में बेच रहा है वो पैंतालीस में बेच रहा है तो दस प्रतिशत की हानि हो रही है इस वस्तु को बीस प्रतिशत लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा ये याद करना होगा तो हल करते हैं तो देखिए दोस्तों सौ पे दस प्रतिशत की हानि बोल रहा है सौ पे दस की हानि तो कहाँ पहुँचे नब्बे पे तो क्रय मूल्य निकालेंगे सबसे पहले तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए नब्बे की हानि कितने पे हो रही है सौ पे हो रही है कितने में बेच रहा है वस्तु को पैंतालीस में बेच रहा है तो देखिए पैंतालीस दूनी नब्बे और दो सौ सौ कितने बार कट जाता है पचास बार कट जाता है तो क्रय मूल्य कितना आ गया क्रय मूल्य आ गया पचास रुपये आ गया अब हमें बोल रहा है बीस प्रतिशत लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा तो बीस तो देखिए दोस्तों सौ पे सौ पे बीस का लाभ तो कहाँ पूछे एक सौ बीस पे तो देखिए सौ पे कितने का लाभ कमा रहा है बीस परसेंट का कहाँ पूछे सौ सौ पे बीस परसेंट का लाभ तो एक सौ बीस और क्रय मूल्य कितना निकाले हमने पचास निकाले तो पचास दूनी सौ दो बार कट जाए दो से एक सौ बीस कितने बार कट जाता है साठ बार कट जाता है तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा साठ आ जाएगा बीस प्रतिशत लाभ कमाने के लिए बीस प्रतिशत लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी साठ रुपए में बेचनी पड़ेगी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सोलह सौ रुपए का दो वर्ष तीन महीने में साधारण ब्याज दो सौ बावन हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर क्या है सोलह सौ रुपए का दो वर्ष तीन महीने में साधारण ब्याज दो सौ बावन हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर क्या है यह है याद करना है तो हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे मूलधन क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा सोलह सौ टाइम कितना है दो वर्ष तीन महीने दो वर्ष तीन महीने तो देखिए दो वर्ष में कितने इसे हमें तीन महीने को भी वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस दो वर्ष में कितने होते महीने हो जाएंगे बारह दूनी चौबीस महीने और ये धन तीन महीने कितने हो जाएंगे सत्ताईस महीने हो जाएंगे सत्ताईस और वर्ष में एक महीने एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बारह बारह से डिवाइड कर देंगे तीन नाम सत्ताईस और तीन चौके बारह तो टाइम कितना निकल के आ गया हमारा टाइम निकल के आ गया नौ बटे चार और रेट क्या है दर सॉरी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना है ऐसा ही हमें दिया है दो सौ बावन तो दर निकालने के लिए फार्मूला होता है एस आई गुड़ी सौ बटे प्रिंसिपल इन टाइम तो देखिए एस आई कितना है एस आई है दो सौ बावन गुड़े में सौ बटे प्रिंसिपल कितना है सोलह सौ और टाइम है नौ बटे चार नौ और बटे में चार आएगा जो गुड़े में चल जाएगा ऊपर तो देखिए दोस्तों दो जीरो से दो जीरो कट गए चार चौके सोलह चार दूनट चार बार चार चौबीस बज गया एक तीन चार दूनट चार तिया बारह या तिरसठ बार, बार कट जाएगा फिर देखिए नौ से तिरसठ कितने बार कट जाएगा सात बार कट जाएगा तो दर कितनी आ जाएगी सात परसेंट आ जाएगी दर जो है सात परसेंट आ जाएगी अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए एक काम को पंद्रह दिन में तथा बी उसी काम को दस दिन में पूरा कर सकता है बी ने पाँच दिन काम करके छोड़ दिया शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा तो देखिए ए जो है काम को कितने दिन में करता है पंद्रह दिन में करता है बी जो है इस काम को दस दिन में करता है और बी ने आगे एक बात ये कही कि आगे बी ने पाँच दिन काम करके छोड़ दिया तो ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा ए जो है कितने दिन में काम को पूरा करेगा ये ज्ञात करना है हमें तो हल करते हैं तो देखिए दोस्तों ए जो है काम को कितने दिन में कर रहा है ए कर रहा है पंद्रह दिन में बी करता है दस दिन में तो इसका एलसीएम ले, ले लेंगे तो कुल कार्य निकल जाएगा इसका एलसीएम आ जाता है तीस अगर हम तीस को तीस को पंद्रह से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक, एक एक दिन का काम मिल जाएगा और दस से डिवाइड कर देंगे तो एक बी का एक दिन का काम मिल जाएगा तो देखिए पंद्रह दूनी तीस दो बार चल जाता है और दस या तीस यानी कि एक दिन में एक दिन में ए जो है दो यूनिट काम करता है और बी जो है तीन यूनिट काम करता है और दोनों मिलकर दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं पाँच यूनिट काम करते हैं तो देखिए बी जो है पाँच दिन काम करके छोड़ देता है यानी कि पाँच दिन काम करता है एक तो दिन में तीन यूनिट काम करता है तो पाँच दिन में कितने यूनिट काम करेगा पंद्रह टोटल काम कितना है तीस है तीस में से पंद्रह घटा दिए तो कितना बच गया पंद्रह बच जाता है जो कौन करेगा एक करेगा ए एक, एक दिन में कितनी यूनिट काम कर रहा है दो यूनिट काम कर रहा है तो पंद्रह यूनिट काम कितने दिन में करेगा पंद्रह बटे दो आ जाएगा तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं सात सही एक बटे दो सात धूनी चौदह और एक पंद्रह पंद्रह बटे दो तो एक आ, इसका आंसर हो जाएगा सात सही एक बटे दो तो दोस्तों वीडियो में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मिल पहुँचते रहें